तो ये जो आज क्वेश्चन अपने सामने ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन है क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू। तो अपने पास एक सॉलिड है, क्यूबिक सॉलिड है इस, और इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, पी है और क्यू है। फिर कह रहे हैं एटम क्यू आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ठीक है, एंड पी एट द बॉडी सेंटर। तो इससे, इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि हम जिस सॉलिड की बात कर रहे हैं वो सॉलिड क्या है, बीसीसी टाइप का है। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए फॉर्मूला के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिस पार्टिकल की बात की जा रही है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस सॉलिड में कितना है। तो देखिए अपने को ये पता चल गया कि ये बीसीसी टाइप का है, और अपने को पता कि बीसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में जो 8 कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पार्टिकल्स होते हैं ये कॉर्नर्स में, और इसके अलावा एक पार्टिकल होता है कहाँ, सेंटर में। तो अब यहाँ टू टाइप के पार्टिकल हैं, पी और क्यू। तो इसने बोल दिया कि यार जो पी है, ये जो पी है, पी कहाँ है, बॉडी सेंटर में है, और अपने को पता है बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का है बॉडी सेंटर में। ये कहाँ है, बॉडी सेंटर। और Q के लिए कह रहे हैं, ये जो Q है ये कहाँ है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो ये वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और एक जो Q पार्टिकल है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस सॉलिड को, इस यूनिट सेल को फॉर्म करने में कितना होता है, 1/8 का होता है। ये बात हम पहले देख चुके हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कॉर्नर वाला है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का होना चाहिए, 1/8 का। और टोटल हैं कितने, 8, तो 8 × 1/8 तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो हमें पता चला कि यार क्यू का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है, 1 का है। और हमें ये बात पता ही है कि बीसीसी में जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और ये 2 आता कैसे है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी सेंटर्ड मॉलिक्यूल का, बॉडी सेंटर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, और एक होता है जो कॉर्नर वाला होता है। एक यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है, ये पूरा पूरा है, और ये किस तरह से आता है, 1/8 × 8 इस तरीके से। तो अब अपने को ये पता चल गया है कि इस यूनिट सेल में पी और क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने कितने का है, 1 का है। अब अपने से पूछा क्या जा रहा है, अपने से पूछा जा रहा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना होता है, हमें नंबर्स पता होने चाहिए यूनिट सेल में। तो अपने को पता चल गया कि अब पी के नंबर्स कितने हैं, 1 है, और क्यू के नंबर कितने हैं, 1 है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, पी क्यू। अगर मान लीजिए ऐसा होता क्यू के नंबर्स 2 होते तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता, PQ2। लेकिन क्योंकि अपने यहाँ पे आंसर आया P में 1 है और Q में भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PQ। तो चलिए एक जो इस पे क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर तो आ गया, किसका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। एक बार ध्यान से समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखिए अपने को बोला गया कि जो P है वो कहाँ है, सेंटर में है। तो यार इस सेंटर में जो ये पार्टिकल है, ये जो सेंटर में है इसके ऊपर 4 पार्टिकल्स हैं ये, और इसके नीचे 4 पार्टिकल्स हैं इस तरह से। तो यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है जिसको मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड, ये इन 4 के कांटेक्ट में है, ऊपर वाले जो हैं और नीचे वाले इनके भी कांटेक्ट में हैं। और ये बात भी आपको याद ही होनी चाहिए कि बीसीसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 8। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने, किसके लिए, दोनों के लिए, क्योंकि अगर एक 8
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पार्टिकल से सराउंडेड है, जितने पार्टिकल से पी सराउंडेड होगा उतने ही पार्टिकल से क्यू भी सराउंडेड होगा पी से, यानी इसके चारों तरफ क्यू कितने हैं, एट हैं, और क्यू के चारों तरफ पी कितने हैं, वो भी एट हैं। तो इस तरह से दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, एट रहेगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता देंगे, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे।